अपने दिव्य गुणों और शक्तियों का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा थोड़ी देर के लिए एकांत अवस्था में बाबा की याद में अपनी आत्मिक स्मृति में टिक जाती हूँ और इस स्थिति में टिकते ही अनुभव करती हूँ कि बाबा अद्भुत किरणों का झरना मुझ पर निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। महसूस करें इस निरंतर बारिश के अनुभव में मैं आत्मा अपने दिव्य गुणों का आवाहन करती हूँ और देखती हूँ कि थोड़ी ही देर में चमकते जगमगाते मोती हवा में मेरी ओर प्रवाहित होते हुए मेरी ओर आ रहे हैं। यह वही मुझ में छिपे हुए दिव्य गुण रूपी मोती हैं जो मेरे आवाहन से वापस एकत्रित हो रहे हैं और ये सारे मुझ में फिर से निरंतर भरते जा रहे हैं। मैं एक तरफ से बाबा की किरणों की बारिश और दूसरी तरफ से दिव्य गुणों की बारिश जैसे मेरे अंदर वो पूरी तरह से जागृत हो रहे हैं, जैसे सहनशीलता संतुष्टता मधुरता दृढ़ता शालीनता हल्कापन अंतर्मुखता गंभीरता नियमितता सादगी आत्मविश्वास रहम दिल श्रेष्ठता दूरदर्शिता स्फूर्ति शुभ भावना निरहंकारिता सरलता अनुशासन न्यारापन साहस सहयोगिता स्वच्छता हर्षित मुक्ता निश्चिंता परोपकारिता गुणग्राहकता और पवित्रता जैसे दिव्य गुणों के मोती मुझ आत्मा के आवाहन से बाबा की किरणों में उनकी छत्र छाया मुझ में पूरी तरह से जागृत होता अनुभव कर रही हूँ।
अपने अंदर इन मोतियों से भरपूर होते हुए मैं आत्मा अपना चमकता हुआ स्वरूप स्पष्टता से निहार रही हूँ और कुछ देर के लिए इस स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। इस स्थिति में टिककर कितना सुंदर, कितना न्यारा, कितना हल्कापन अनुभव हो रहा है। इन दिव्य गुणों और शक्तियों की भरपूरता को गहराई से अनुभव करती मैं आत्मा बाबा को दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कितनी गुणवान आत्मा हूँ, मैं कितनी शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कितनी महान आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।